The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal. Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. To dosto, aaj hum baat karenge सांस में आने वाली आवाज का. अगर आपकी सांस उखड़ रही है और सांस में वीजिंग आ रही है, व्हाट इज वीजिंग, क्यों आती है वीजिंग, ये एक तरीके की ब्रीदिंग डिफिकल्टी में आने वाली आवाज है. कई बार हमने एस्थमा के पेशेंट्स को या किसी और पेशेंट को सांस लेते हुए ऐसी जो आवाज आती है, दैट इज हाई पिच्ड विसलिंग साउंड जिस इज कमिंग वाइल ड्यूरिंग ब्रीदिंग. ये क्यों आती है? ये आती है जब भी हवा किसी नैरो ट्यूब के थ्रू गुजरती है. अगर आपकी सांस की नलियां नैरो हो जाए, पतली हो जाए, तो वीजिंग जैसी आवाज आ सकती है. याद रखिए, ये एक साइन है कि उस इंसान को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है. ठीक है, यहां पर ज्यादातर ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो आती है ये दोनों चीजों में आ सकती है. एक तो एक्सहेल करने में, सांस छोड़ने में ज्यादातर होती है, सांस छोड़ने में या सांस लेने में, इनहेलिंग में भी आ सकती है, एक्सहेलिंग में भी आ सकती है. ज्यादातर तब होती है जब आपके सांस की नलियां ब्रोंकियल जो ट्यूब्स हैं, ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं, वो सुकुड़ जाती हैं डीप इनसाइड द लंग्स. याद रखिए, इट मे बी बिकॉज ऑफ स्मॉल एयरवेज या लार्ज एयरवेज, दोनों में प्रॉब्लम्स में हो सकती है. सो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें आपको ऐसे ब्रीदिंग साउंड्स आ सकती है, वीजिंग साउंड आ सकती है. नंबर वन इज एस्थमा, एस्थमा. नंबर टू इज अगर सांस की नली में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अटक जाए. नंबर थ्री, अगर हमारे सांस की नली आड़ी टेढ़ी हो जाए, डैमेज हो जाए ब्रीदिंग किसी इंफेक्शन से, जैसे COVID-19 या ट्यूबरक्लोसिस या ऐसी कोई या फिर बहुत ज्यादा लंबे समय में COPD हो जाए. COPD जैसी बीमारियों में ब्रोंकियेक्टेसिस हो जाता है, मैंने समझाया आपको, ब्रोंकियोलाइटिस हो जाए, छोटी छोटी खून सांस की नलियों में इन्फ्लामेशन हो जाए, म्यूकस और स्वेलिंग आ जाए, या ब्रोंकाइटिस हो जाए, थोड़ी बड़ी मेन नसों में दिक्कतें आने लगे. तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकियेक्टेसिस, एस्थमा, COPD, इन सब की सारी लंग्स की बीमारियों में वीजिंग साउंड आ सकता है. फिर हार्ट की बीमारी में भी वीजिंग साउंड आ सकता है. कार्डियक एस्थमा जिसे कहते हैं, हार्ट फेलियर जब होने लगता है, सांस की नलियों में पानी भरने लगता है, यू कैन हैव अ वीजिंग साउंड देयर. एलर्जिक रिएक्शंस के वजह से कभी कोई, मान लीजिए इंसेक्ट ने काट दिया, उसके वजह से लंग्स में दिक्कत आने लगे, सांस की नलियां, या गला सूजने लगे, तब भी वीजिंग साउंड आ सकता है. लंग के अंदर इन्फेक्शन, निमोनिया हो, कोविड हो, तो भी आ सकता है. वायरल इन्फेक्शन, छोटे बच्चों में, किसी भी छोटे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन हो, उनकी सांस में आवाजें आ सकती हैं. स्मोकर्स लंग कैन हैव दैट साउंड. कुछ दवाइयां जैसे एस्पिरिन, उसमें भी कभी कभी इस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं. और एसिड रिफ्लक्स डिजीज, कभी कभी एसिड रिफ्लक्स होके सांस की नली में चला जाए तो ऐसा दिक्कतें आ सकती है. याद रखिए, दैट इज अ वीजिंग साउंड. ऐसा कुछ हो तो बहुत जरूरी है आपको समझना कि आपको क्या करना है. आपको एक ऐसे एरिया में बैठना है जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, मॉइस्ट हीटेड एयर होनी चाहिए, थोड़ा रिलीफ उससे आपको मिलेगा. उसके अलावा आप चाहें तो नेबुलाइजर या वेपर स्टीम ले सकते हैं, या हॉट शावर में बैठ सकते हैं. दीज आर द टू थिंग्स विच यू कैन डू इमीडिएटली. उसके अलावा अगर ये आपको पहली बार हो रहा है, आपका स्किन कलर, हाथों का कलर ब्लू हो रहा है, दैट मीन्स आपके शरीर को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तुरंत अस्पताल जाना है, कंफ्यूजन हो रहा है, किसी प्रकार का मेंटल स्टेट प्रॉब्लम आ रहा है, तुरंत अस्पताल जाना है. अगर आप बार बार हो रहा है ये, तो भी अस्पताल जाना होगा. अगर आपको लग रहा है ये किसी चीज का एलर्जिक रिएक्शन है, तो भी अस्पताल जाना होगा. याद रखिए, वीजिंग सिवियर भी हो सकती है, और ये सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ एक इमरजेंसी सिचुएशन के पहले भी हो सकती है. सो रिमेंबर दैट, वीजिंग का कारण हमें ढूंढने के लिए आपको छाती में स्टेथोस्कोप लगा के सुनना होगा. उसके अलावा हमें आपके टेस्ट करने होंगे, इसके चेस्ट एक्सरे, लंग फंक्शन टेस्ट, ब्लड वर्क, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ये सब देखना जरूरी है. अस्पताल में आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर हो रही है, तो आपको मेडिकेशन, ऑक्सीजन और ऑब्जर्वेशन, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली दी जाएगी. और अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स कि आपको क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा. याद रखिए, ब्रीदिंग डिफिकल्टी कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन. कुछ लोगों को भीड़ में जाके ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है,
उनको एंजाइटी की वजह से इट्स माइट बी जस्ट एन एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही हो सकती है। कुछ लोगों को अस्थमा होता है डायरेक्ट खुद से, कुछ लोगों को सीओपीडी होता है, कुछ को लंग्स में इन्फेक्शन होता है। अगर आपको बुखार साथ में आ रहा है तो दिक्कतें सीरियस हो सकती है। अगर आपको खांसी है, ड्राई कफ है, गले में खराश है तो इट माइट बी एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको ड्राई कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये सब है तो जरूर आज के डेट में यानी COVID-19 या कोई वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो याद रखिए, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस आ रहा है, दैट मींस हो सकता है कि इतना सांस में दिक्कत है कि शरीर में इनफ ऑक्सीजन, ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो याद रखिए, ऐसे में अगर आप इनहेलर लेते हैं, अगर अस्थमा एक पेशेंट है तो इनहेलर लेना है, और अगर आप इनहेलर नहीं लेते हैं तो अस्पताल जाना है, डॉक्टर से बात करनी है। याद रखिए, ऐसे में डॉक्टर के पास जाना और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना सबसे जरूरी हो जाता है। इलाज से पहले जानकारी चाहिए, इलाज से पहले हमें डायग्नोसिस चाहिए कि आपके शरीर में हो क्या रहा। तो डायग्नोसिस के लिए टेस्ट जरूर करवाएं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास कुछ जरूर जाएं। अगर डर लग रहा है तो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन घर पे चेक करें। अगर आपका सैचुरेशन यानी ऑक्सीजन मीटर जो घर में आप रखते हैं उसमें कम दिखा रहा है तो फिर कोई दोराय नहीं है, फिर अस्पताल जाना ही पड़ेगा। अगर आपकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, ऑक्सीजन सैचुरेशन में गड़बड़ी दिखा रहा है, आपके ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ये सारे साइन है कि कंडीशन सिवियर हो रही है। याद रखिए, ये सारी प्रॉब्लम पैनिक अटैक और एंजाइटी से भी हो सकती है। ऐसा होगा तो अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, धीरे धीरे बैठ के रिलैक्स होके, या कुछ अच्छा टेस्टी सा खा लीजिए और ट्राई करिए रिलैक्स करने का। डीप ब्रीदिंग कैन आल्सो ऑलवेज हेल्प। याद रखिए, हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको बताई हैं, अगर याद नहीं है शॉर्ट में बता रहा हूं। नाक से सांस अंदर लेनी है 2 सेकंड के लिए, मुंह से छोड़ना है लेकिन मुंह छोटा करके, पर्स्ड लिप। डबल, जितना अंदर लिया 2 सेकंड अंदर लिया, 4 सेकंड बाहर छोड़ना है स्लोली। अगर आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, नो मैटर आपको अस्थमा है, नो मैटर आपको सीओपीडी है, स्मोकिंग करते थे, जो भी करते थे, आपके लंग्स को रिलैक्स मिलेगा, राहत मिलेगी। 2 सेकंड अंदर, जितना भी 1 सेकंड अंदर ले लीजिए, 2 सेकंड बाहर छोड़ दिए, 1:2 का रेशियो होना चाहिए। स्लोली ब्रीदिंग करनी है, रिलैक्स्ड रहना है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक विल क्रिएट मोर जैसे यू नो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, हॉर्मोन्स, आपके एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और कैटेकोलोमाइन सिक्रीट होते हैं जो कि ब्रोंकोस्पाज्म्स कर सकते हैं। कई बार रिएक्शन से आपका म्यूकस सिक्रीशंस बढ़ सकता है, दैट कैन ए प्रॉब्लम। ऑल्दो टेक्निकली उसमें ब्रोंकोडायलेशन होना चाहिए, लेकिन कई लोगों को इसके वजह से क्या करते हैं, वो ज्यादा जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करने लग जाती है, रैपिड शैलो ब्रीदिंग। विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन अ वीडियो, एंड होप दिस वीडियो हेल्प्स। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आई एम डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।